नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। फ्रेंड्स, आज है 31 मई और दोस्तों फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है आपका आरबी जेई का। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पे कवर हुए हैं 31 मई के फर्स्ट सेकंड और थर्ड के शिफ्ट में, और इसके अलावा दोस्तों किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं, लेवल क्या है, ईजी है कि मॉडरेट है। तो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स के द्वारा मुझे एनालिसिस मिलती है उसी के बेस पे मैं आपको यह वीडियो बनाता हूँ, ताकि दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम अभी होने वाला है वो यहाँ पर दोस्तों इसके प्रिपरेशन कर सकें, इसकी प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं 31 मई के, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर मैं दोस्तों आपका समरी निकाल के बताऊँ तो आपका जो लेवल है एग्जाम का वो बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल तक था, बहुत ही टफ़ भी नहीं था, बहुत ही इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल में था। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैथ के थे जो बहुत ही टफ थे, और दोस्तों यहाँ पे लगभग मैथ में अगर हम बात करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपके बहुत ही फंसाने वाले हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हैं जो आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपसे एक सजेशन है दोस्तों कि आप उसमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, अगर आपसे इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं तो कर दीजिए, वरना छोड़ के आप आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत ही कम है। 90 मिनट आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हुए आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, तो इस बात का ध्यान देना है आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे जो मुझे अभी तक मिल चुके हैं। सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने लिस्ट बना लिया है, पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है और यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक बात और, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे रेलवे से रिलेटेड हो या फिर कोई अन्य अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन हो तो पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 31 मई आरबी जेई का दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ सभी क्वेश्चंस को। दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि सर आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है वीडियो में, तो उसको थोड़ा स्लो रखिए। तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी ईजिली काफ़ी आराम से बनाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी कोई भी स्पीड दोस्तों आपकी नहीं होगी। अगर आप कहते हैं तो मैं स्पीड स्लो यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए युवा श्री अर्पण योजना। जी हाँ दोस्तों, युवा श्री अर्पण योजना कहाँ पर दोस्तों हुआ, कहाँ पर लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बात करते हैं, कौन सा विटामिन वसा में अघुलनशील है? सो विच विटामिन इन सॉल्युबल इन फैट? दोस्तों वो कौन सा विटामिन है जो आपका फैट में इन सॉल्युबल है या अघुलनशील है? तो आपको दोस्तों पता होगा जो ADEK आपका जो विटामिन है वो ए है, डी है, ई है, के है, ये आपका फैट में सॉल्युबल है। इसके अलावा जो भी विटामिन बचती है आपकी वो सब जो है आपका वाटर में सॉल्युबल है। दोस्तों ऑप्शन में आपका विटामिन सी था, वही आपको चूज करना था और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपका 1 क्वेश्चन दोस्तों इसका आया हुआ है, जिसमें आपका बायोलेंसी फोर्स और इसके अलावा दोस्तों वेट डेंसिटी के जो कॉम्बिनेशन होता है, रिलेशन होता है, वही आपका यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया गया है कि कोई बॉडी जो आपकी दोस्तों डूबी हुई है पानी में तो दोस्तों कितने उसका जो है एरिया को वो कवर करेगा, इसी के बेस पर प्रिंसिपल है, उसको आप देख लीजिएगा। इस पर एक क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल आया हुआ था, इसे आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियाडिक टेबल में सेकंड पीरियड को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपका है तो पीरियाडिक टेबल सा, मैंने आपको दोस्तों बताया पीरियाडिक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सभी सेट में देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो पीरियाडिक टेबल दोस्तों आपका जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड आपका है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो आपको दोस्तों कहलाता है ब्रिज एलिमेंट, दोस्तों उसको हम ब्रिज एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अगला दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट। जो आपके दोस्तों चीफ जस्टिस यानी सीजे आपके दोस्तों CJI होते हैं, उनका रिटायरमेंट कब होता है? दोस्तों उनका रिटायरमेंट जो होता है वो 65 वर्ष के बाद होता है। इसके अलावा रंजन गोगोई ने CJI की शपथ कब लिया? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी आपका टिपिकल आ चुका है, काफ़ी बैक क्वेश्चन दोस्तों है, इसे आप इजिली जीवन में प्रैक्टिस करिए। दोस्तों अंदर के क्वेश्चन है, इसे आप इजिली अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं तो आपके नहीं हो पाएंगे, तो इस बात ध्यान दीजिएगा। इस समय 2-3 क्वेश्चन जीके में दोस्तों बहुत ही हटके पूछा गया है, जो कि काफ़ी टफ सेक्शन में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों केबुल लोमजाऊ पार्क, जिसे दोस्तों हम फ्लोटिंग पार्क के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूरे भारत में केवल एक ही फ्लोटिंग पार्क आपका है, जो कि मणिपुर में है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, लाख बहोशी सेंचुरी कहाँ पर है? दोस्तों आपका लाख बहोशी उद्यान है, सेंचुरी है, वो आपका वेस्ट, ये आपका दोस्तों यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एज एंड रिलेशन के आपका 2 क्वेश्चन आए हुए थे, दोस्तों रेशियो के बेस पर आपका एज रिलेशन आया हुआ था, जो आपके उम्र वर्ष संबंध जो होता है दोस्तों वो आपका देखिए रेशियो में आया, तो मान लीजिए आपके किसी लड़की का दिया मतलब प्रिया और अनुज का जो एज रेशियो है वो 3:1 है, और 7 वर्ष बाद दोस्तों इनकी जो एज का सम है वो 56 ईयर्स और 40 ईयर्स हो जाता है। तो करंट टाइम में दोस्तों प्रेजेंट में आपका प्रिया की उम्र कितनी है, इस तरह से जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं किए हुए तो आप फिर देख लीजिएगा इसके मेथड को।
विच कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट इन 20th सेंचुरी? दोस्तों 20वें शताब्दी में, 20वीं सेंचुरी में आपका कौन सा ऐसा देश है जो आज़ादी प्राप्त किया था? तो इसका सही दोस्तों आंसर है वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। और दोस्तों बाबूलाल मरांडी कहाँ के पहले सीएम थे? इसका सही जो आंसर है वो आपका झारखंड है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है जीके का। इसके अलावा देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्पेस शटल, वो कौन सा दोस्तों स्पेस शटल है जो कि पहली बार मून पर गया था, या सबसे पहले मून पर जाने वाला स्पेस शटल कौन सा था? दोस्तों आपको पता होगा अपोलो 11। दोस्तों इसका डिस्कस हम पहले भी आपका सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के, और उसका डिस्कस हम कर चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट अपन नहीं देखे हुए हैं, जितने आपके एग्जाम हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक सबका रिव्यू नहीं देखा है, सबका दोस्तों यहाँ पे समरी नहीं देखा है कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो एक बार सभी वीडियो को मेरे देख लीजिए। 22 तारीख से अभी तक की सभी वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, सबका दोस्तों एक बार सेट देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका अगर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एरिया ऑफ पैलोग्राम दोस्तों पूछा गया था, और इसके अलावा संविधान सभा का प्रेसिडेंट कौन था? तो दोस्तों ये आपका सही आंसर जो आपका संविधान सभा का जो पहला प्रेसिडेंट थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और फोक डांस ऑफ गुजरात, दोस्तों गुजरात का फोक डांस कौन सा फेमस है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों का था घूमर, और घूमर पर आपको टिक लगाना था, वही आपका करेक्ट दोस्तों आंसर हो जाता है। प्रॉफिट एंड लास्ट के लिए दो से तीन क्वेश्चन दोस्तों आए हुए थे, इसमें आपका इजी और मॉडरेट मिक्स कर रखा था। इसके अलावा मेंसुरेशन में आपका पिरामिड वाला एक क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था, इस बात का ध्यान दीजिए पिरामिड का पहली बार सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पिरामिड वाले क्वेश्चन मेंसुरेशन में कवर हो रहे हैं। सेल का दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा ल्यूसीमिया से रिलेटेड दोस्तों WBC आपको पता था दोस्तों, आपके व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स से रिलेटेड एक दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लड आपका जो क्वेश्चन दोस्तों है टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप कवर कर लीजिएगा ब्लड का, उसमें से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा V इक्वल टू IR दोस्तों ओम्स ला आप जानते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ था कि V अपॉन R इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, V अपॉन R इज इक्वल टू, तो इसका दोस्तों ऑप्शन जो था वो करंट का ऑप्शन आपको टिक करना था, करंट ऑप्शन जो का है वो करंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री में दोस्तों एल्केन एल्कीन्स और एल्काइन का एक क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम एंड वर्क दोस्तों आपके इफिशियंसी से रिलेटेड आपका जो टाइम एंड वर्क का होता है कि मतलब एक ए है जो अपने बी से दो दोस्तों आपका जो ए है वो डबल इफिशियंट है बी के अकॉर्डिंग, इसके बेस पे जो क्वेश्चन के बनते हैं वो आपके आए हुए टाइम एंड वर्क में। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबाइड का दोस्तों क्वेश्चन आया था आपका LBH दे रखा था। इसके अलावा और इसका क्यूबाइड का आपका टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा था। टिग्नोमेट्रिक लेवल दोस्तों दो क्वेश्चन आए थे आपके, काफ़ी ईजी लेवल के थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मीन मोन मीडियन दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था, SCF LCM के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बोर्ड के भी क्वेश्चन आपके कुछ सेट में पूछे गए हैं आपका, आपका जो पहला सेट आपका आज का था उसमें बोर्ड का भी दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा देखिए आपका दोस्तों पेटेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका हुआ था। आपको पता चाहिए दोस्तों जीवाश्म ईंधन का अध्ययन जो करते हैं वो आपका पेटेंटोलॉजी में करते हैं, फॉसिल फ्यूल जैसे स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल जो हम करते हैं वो उस विज्ञान को हम पेटेंटोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अर्थ मेटल जो होती है वो किसमें सॉल्युबल है, ये क्वेश्चन आपका है वो तो आपको तो पता होना चाहिए, अर्थ मेटल जो है वो एसिड में सॉल्युबल है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें से जो भी एसिड होगा उसे आप चूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था, सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक से दो क्वेश्चन जिससे आपके टेबल वाले पूछे गए थे। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप वेन्यू 2020 आपको दोस्तों पता होना चाहिए, जो T20 आपका वर्ल्ड कप होने वाला है 2020 में उसका जो वेन्यू है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया में आपका होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना दोस्तों काफ़ी अंदर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना कौन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों है वो है राघवेंद्र सिंह। इसके अलावा झारखंड के गवर्नर 2013 में कौन थे, ये आपको दोस्तों क्वेश्चन आपको पता होगा, झारखंड में 2013 में इमरजेंसी लागू की गई थी, तो आपको दोस्तों राज्यपाल इसको पूरा इंप्लीमेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए जो झारखंड में गवर्नर थे 2013 में वो कौन थे, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स लेंस के क्वेश्चन देखिए आए हुए थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का R=2f का, इस पर न्यूमेरिकल दोस्तों आया हुआ था। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कन्वेक्स लेंस का, जिसमें आपको दोस्तों दिया हुआ था कि फोकल जब कोई फोकस होती है या फिर दोस्तों कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसका मेयर इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, या उसका इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ किस साइड में होगा, कैसा होगा, रियल वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, वो सब दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों इफ लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म, आपका दोस्तों अगर लाइट एक प्रिज्म से पास करती है तो इट बेंड्स डाउनवर्ड्स टू नॉर्मल, आपको दोस्तों पता होना चाहिए आपका अगर प्रिज्म है आप वहाँ से लाइट पास करवा रहे हो तो नॉर्मल बनती है, उससे आपका डाउनवर्ड दोस्तों आपका होगा लाइट आपकी, तो इसका दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला दोस्तों पूछ रखा था, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। इसके अलावा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप दोस्तों क्या होता है, आपको पता होना चाहिए OH होता है, तो इसका दोस्तों आप देख लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन पे दोबारा से तिबारा पूछे जा रहे हैं, दो तीन बार रिपीट हो चुके हैं, इस बात को आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी इजी भी है आपका। इसके अलावा दोस्तों सोनार का देखिए एक न्यूमेरिकल आया हुआ था जिसमें 2D = V * T होता है, आपको पता होगा सोनार जो होता है ये हम यूज़ करते हैं किसी भी समुद्र में पड़ी ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस चेक करने के लिए, फिर कहाँ पे है उसकी प्लेस जानने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला होता है 2D = V * T होता है, इससे आप इजिली निकाल सकते हैं। कौन सा एलिमेंट मेंडली पीआई टेबल में नहीं था दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था, जिसका सही आंसर होगा वो होगा जर्मेनियम।
और दोस्तों इन्वायरमेंटल समिट 2018 भारत में दोस्तों हुआ था, ये आपको बताना था। यहाँ पे इन्वायरमेंटल समिट जो आपका 2018 का था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था, इसका जो सही आंसर है वो आपका भारत हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पोर्टल के बजे देखिए दोस्तों क्वेश्चन आए हुए थे कि सहज पोर्टल किस कार के लिए लॉन्च किया गया है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका आया हुआ था। इसके अलावा अभय योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया है, दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। और ट्रेन से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आए हुए थे, लगभग एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से संबंधित आया हुआ था, जिसमें दोस्तों दो ट्रेन दी हुई थी कि एक ट्रेन दोस्तों इस टाइम यहाँ से चलती है, दूसरी ट्रेन अलग प्लेटफॉर्म से इस टाइम चलती है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, तो मीटिंग टाइम बताना था किस टाइम वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। इसके अलावा कापर का दोस्तों और पूछा था, कापर दोस्तों और जो है वो क्यूप्राइट था, आपको ऑप्शन से चूज करना था। यहाँ पे ऑप्शन चार आपको दिए हुए थे और उसमें से चूज करना था क्यूप्राइट को। इसके अलावा दोस्तों पजल का एक क्वेश्चन आया हुआ था, और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था मेंस्ट्रुएशन का क्या आया हुआ था, एक कौन थी दोस्तों जिसकी हाइट दी 30 सेंटीमीटर दे रखी थी, और उसने बताया कि उसमें से एक कोन जो है आपके बेस के कोन के बड़े वाले कोन के बेस के पैरेलल यहाँ पे काटा गया है, और छोटे कोन का जो वॉल्यूम है वो बड़े कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। अब दोस्तों को बताना था कि छोटा वॉल्यूम वाला कोन है आपका, उसकी हाइट कितनी होगी, ये आपको यहाँ पे निकालना था। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ था, साइन थीटा इक्वल टू एम अपन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 दे रखा था, और टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालना था और ऑप्शन से आपको मैच करवाना था। फिर देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग दोस्तों एक क्वेश्चन आपका स्क्वायर वाला आया था, वहाँ पर ढेर सारे स्क्वायर बने थे, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर था, आपको फिगर काउंटिंग के थ्रू फिगर काउंट करना था। ब्लड का दोस्तों एक क्वेश्चन था, ब्लड में क्या पाया था दोस्तों, ब्लड का कलर लाल क्यों होता था, आपको दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो जो है हीमोग्लोबिन। और इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा वन वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा दोस्तों वन वाला राज्य है वो आपको मध्य प्रदेश है। यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही वाला था वो था अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश वहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों बतानी है आपको, जो कि 3, 4 और 5 से भाग देने पर शेष जो बचे आपका वो 1 हो, तो ये आपको दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था मैथ में। इसके अलावा पीएच वैल्यू ऑफ एनएएच दोस्तों निकालना था आपका 14 होता है। एशियन गेम्स स्टार्टेड इन विच ईयर 1951, जी दोस्तों एशियन गेम्स जो आपके स्टार्ट किए गए थे वो आपके 1951 से शुरू हुए थे। इसके अलावा दोस्तों आपका क्या हुआ था, स्कर्ट फोल्डेड डांस किसे कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर था आपका था कथक। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, ये कथक डांस जो है कहाँ का दोस्तों फेमस है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका था केरल। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप विनर कौन था, दोस्तों आपको बता दूँ फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो विनर था वो भारत था, जो कि 2007 में आपका जीता था। भोपाल गैस ट्रेजडी दोस्तों कब हुई थी आपका, इसका सही आंसर वो 1984 है। इसके अलावा सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोस्तों आपको निकालना था, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और इसके अलावा बात करते हैं एटॉमिक मास के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं 281 हो जाएगा, और दोस्तों क्लोरीन की को भी आया हुआ था तो क्लोरीन का 287 होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका देखिए, रग्बी वर्ल्ड कप दोस्तों 2018 दोस्तों कौन इसका विनर था, दोस्तों विनर इसका था, इसका जो विनर था वो था न्यूजीलैंड आपका, और जो रग्बी वर्ल्ड कप आपका हुआ 2018 का वो आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया था सैन फ्रांसिस्को में। और फिर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक दोस्तों एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आपका आया हुआ था, टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, फिर कॉट थीटा अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका हुआ था, हु द रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हाई, दोस्तों जो आपका ऑप्शन वहाँ पे दिया था कंडक्टर था, इंसुलेटर था, सुपर कंडक्टर था, इस तरह से आपका आंसर दोस्तों दिए हुए थे आपके ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चूज करना था, आपका सही ऑप्शन दोस्तों होगा वो आपका होगा इंसुलेटर। और सब पावर का एक क्वेश्चन आया था, पी इक्वल टू वी आई था, इस पर सिंपल न्यूमेरिकल दोस्तों एक आया हुआ था। इसके अलावा कनकेव लेंस का दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें ऑब्जेक्ट दोस्तों आपका ऑप्टिकल सेंटर और इन्फाइनाइट के बीच में रखा हुआ था, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा ये आपको बताना था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के आए हुए थे, बस आपको वहाँ पे दिमाग का यूज़ थोड़ा सा करना था, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों टेबल वाले 2 क्वेश्चन आए हुए थे, क्वालिटी क्वेश्चन दोस्तों जिससे आपको रूट फाइंड आउट करना था, इसके लगभग 2 क्वेश्चन दोस्तों आए हुए थे। इसके अलावा लोकसभा में 80 की सीटें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था, आपका अंदर क्वेश्चन हो गया, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। नेपाल सेटेलाइट लॉन्च्ड बाय कंट्री, दोस्तों नेपाल की सेटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च की गई, दोस्तों कब लॉन्च की गई थी, तो अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार आया हुआ था, ईटानगर कहाँ की राजधानी है, तो आपको सब पता होगा जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की राजधानी ईटानगर है। इसके अलावा पाइप एंड सिस्टर के भी दो क्वेश्चन दोस्तों आए हुए थे, काफ़ी इजी लेवल थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पे आपका जो है पाइप आई एंड सिस्टम के 2 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आए हुए थे। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए थे, वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है तो एग्जाम देने के बाद हमारी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ पर मैम मेल कर दीजिए क्वेश्चन का। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, और फ्रेंड्स हमेशा हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.